जिला सहारनपुर से उसी देवबंद से होते हुए जहां से नवाज देवबंदी आते हैं आपको लिए चलेंगे जिला मुजफ्फरनगर। लहर किसकी है, 2019 किसका है, चलिए हमारे साथ बैलेट ट्रेन में, आपको भी जवाब मिलेगा। अगर मोदी को 5 साल और मिलते हो तो कुछ सुधार हो जाएगा। और थोड़ा बोलता हूँ, झूठ नहीं बोलता, क्या बोलता है के बारे में आपको हंसी क्यों आ रही है? झूठ नहीं बोलता, नू आ रही है हंसी। किसी ने सोचा था कि 12 रुपए में 2 लाख का बीमा मिल सकता? बेरोजगारी है, कितने किसान मर गए। पर मोदी एक ऐसा आदमी है जो सच्चा इंसान है। हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर, तेरे सीने पे तेरे हिंदुस्तान होना चाहिए। मशहूर शायर नवाज देवबंदी का कलाम है, वहाँ कैसे कोई दिया जले जहाँ जरा सी भी हवा ना हो, उसे हाल दिल ना सुनाइए जिसे दर्द दिल का पता ना हो। तो आज जिला सहारनपुर से उसी देवबंद से होते हुए जहाँ से नवाज देवबंदी आते हैं आपको लिए चलेंगे जिला मुजफ्फरनगर। ये रूट हमने इसलिए चुना क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हार्टलैंड इतने विकल्पों के बीच में सोच क्या रहा है, एसपी बीएसपी के गठबंधन के बारे में, कांग्रेस के बारे में या फिर मोदी सरकार के बारे में। लहर किसकी है, 2019 किसका है, चलिए हमारे साथ बैलेट ट्रेन में, आपको भी जवाब मिलेगा। बैलेट ट्रेन 2019 ने दे दिया सिग्नल, जल्दी जल्दी सवार हो जाइए क्योंकि बैलेट ट्रेन 2019 में चर्चा चुनाव शुरू हो चुकी है। अगर मोदी को 5 साल और मिलते हैं तो कुछ सुधार हो जाएगा। और ये राहुल जी हैं प्रधानमंत्री, जिन्हें बोलने का पता नहीं, वो पाकिस्तान के अजहर मसूद जी साहब, वो आतंक को बढ़ावा दे रहे। दुख होता है जब ऐसी बातें सुनते हैं। दुख क्यों नहीं होगा जब हम यहाँ रह रहे हैं, यहाँ खा रहे हैं, दुख क्यों नहीं होगा? आप भी सुनते होंगे ऐसे बयान, कैसा लगता है अजहर मसूद जी साहब जब आप सुनते हैं, कैसा लगता है? वो तो गलत है, लेकिन जब देश का प्रधानमंत्री शपथ, सुना जी चौधरी साहब, जब देश का प्रधानमंत्री मोदी शपथ लेता है तो पाकिस्तान वाले लोगों को बुलाता है ना, किसी ने बुलाया नहीं ना आज तक, पूरा चुल्ला नौत घर वाले भाईचारा बढ़ाने के लिए बुलाता, आतंकवादी को थोड़े बुलाता है, सबको पाकिस्तानी को, सारी सीमाओं पर आतंकवाद है, जितनी भी भारत से सीमा लगी हुई है पाकिस्तान के नाम क्यों लेते हैं? पहले कांग्रेस को तो वही है बीजेपी अपनी राजनीति के छोटे ने आज, अगर उसको जब भी मार दिया होता तो आज सही था उस टाइम पर, उस वक्त क्या करना चाहिए था? अजहर मौजूद वो जो है वो तो मौजूद नहीं छुड़वाया था, मुफ्ती मोहम्मद सईद की लड़की का अपहरण हुआ था, उस जमाने में कांग्रेस ने छोड़े थे 10, इन्होंने 3 छोड़े, गठबंधन को छोड़ो भारी। अब मोदी जी कहते हैं 15 लाख रुपए खाते में सबके आगे होंगे, इनके भी आगे होंगे। अच्छा। बस चाहिए ना, पैसा चाहिए, झूठ बोलना, पैसा चाहिए, देश का विकास नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, राहुल गांधी के बयान सुनते हो? राहुल गांधी झूठ थोड़ा ही बोल रहे, राहुल थोड़ा ही बोलता हूँ, सच्चा क्या बोलता है, बोलने का वो यार अब तब बोलता, लेकिन बोलता झूठ से। अच्छा, ये कह रहे हैं झूठ नहीं बोलता, क्या बोलता है के बारे में आपको हंसी क्यों आ रही है? झूठ नहीं बोलता, नू आ रही है हंसी। सबकी नौकरी लग गई, कोई बिना नौकरी के रहा नहीं बीजेपी की सरकार में। गन्ने का मूल्य जो किसानों का था वो 10 रुपए बढ़ा दिए, 1000 रुपए एनपीके कर दिया, बिजली पे 1000 रुपए बिल कर दिया। अच्छा, 5 साल को अगर पिछले 65 साल से कंपेयर करोगे तो क्या कैसा लगता है आपको? 65 साल से तुलना करो, 65 साल को ये धरोहर थोड़ा किसी की, जब तो लोग राजनीति में कम लोग थे, अब तो ये घर 2014 से पहले राजनीति में कम लोग थे ऐसा ना, उससे पहले तो कुछ कम था। पहले 5 साल की तो तुमने मतलब की बोल दी कि उसने कहा था मोदी ने कि उस सबके खाते में 15 लाख जाओगे, नहीं आप किसी ने कहा था कि मोदी ने, आपको बोला था मोदी ने कि मतलब कि तुम्हारे खाते में आओगे ना, मतलब 15 लाख रुपए नहीं बोल के गए थे वो मीडिया में समाचार, नहीं वो तो तुम्हें ही बोल के देना कह रहे हैं कि 15 लाख रुपए होंगे। आपको नहीं लगता 5 साल और 65 साल का हिसाब होना चाहिए? हमें बोल गए थे, आपको बोल गए थे आए नहीं 15 लाख। बिजनौर सीट पर तो बीजेपी का सांसद है, आज तक वो किसी काम आया नहीं। मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान है, उसने तो चलो काम कराया है ना, वो भी तो बीजेपी से है, लेकिन छे के छे भी जाएगा, उनके कहने तो कोई मोटरसाइकिल भी छोड़ सकता पुलिस वाला, इतनी बुरी हालत है। एनकाउंटर से तो डरे भाग रहे थे मुजफ्फरनगर में लोग, वो तो सही है, वो तो बदमाश जो है वो जाने चाहिए। तो वो किसके राज में हुआ ये बताओ, संजीव बालियान, योगी आदित्यनाथ? मायावती के राज में भी हुआ है, मायावती के राज में भी हुआ था एनकाउंटर भी, यार बदमाश है तो जेल में नहीं, देश छोड़ के भाग गए, देश छोड़ के भाग गए। फिर तो यूपी में रामराज्य आ जाना चाहिए था, आया था
सुविधा बिल्कुल, और वाजिब दाम गन्ने का मिला, परमिट मिला, आज तक गन्ने का परमिट नहीं हुआ। गन्ने किसान तो परेशान है, ये तो बात है। तीन बार 40-40 रुपए बढ़ाए हैं, 120 था 240 गन्ने का भाव करा था। अच्छा, ये जो कह रहे हैं मायावती के राज में भी बहुत एनकाउंटर हुए, राम राज्य आ गया। कल्याण सिंह रहा था 18 महीने, ढूंढा नहीं मिला रहा बदमाश, वो टाइम था मैडम। पुलिस में बीजेपी का, पुलिस में निष्पक्ष भर्ती किसके राज्य में, किसके राज्य में? उत्तर प्रदेश में। ये तो मेरे ही गले नहीं उतर रही बात, पर चलो कोई नहीं, मान लेते हैं। आप जनता है, आप जनता है जनार्दन है, मानना पड़ेगा हमें, क्योंकि आपका वोट भी उतना ही अहम है, मानना पड़ेगा। चलिए अब आपसे पूछती हूँ मैं, ये कह रहे हैं मायावती के राज्य में निष्पक्ष भर्तियाँ हुई पुलिस में, हुई? कहाँ से हैं आप? मैं बुलंदशहर था। अच्छा, आप भी बुलंदशहर से हैं। राहुल गांधी के बयान जब सुनते हैं तब कैसा लगता है? राहुल गांधी अच्छा बोल रहा है। अच्छा बोल रहा है, अब बोल रहा है। हालिया बयान याद दिलाइए। अरे अब तो जो भी बयान दे रहा है, आरी पोल खोल दी मोदी, सब दबा के बैठा, किसी को पता ही मिला कितनी बेरोजगारी है, कितने किसान मर गए, कुछ बोल रहा हो? कुछ नहीं, दबा के बैठ गए। देखा आपने बैलेट ट्रेन 2019 में भारत बसता है ना, मोदी राहुल बुआ बबुआ हर बात पर बात हुई। कुछ वोटर्स ने तो इतिहास के पन्ने भी पलट लिए। कोई मोदी से नाराज है तो कोई राहुल से खफा है, कोई बुआ बबुआ गठबंधन के गुण भी गा रहा है, तो कोई गुजरे जमाने में राज तलाश कर रहा है। इन्होंने तो बोल दिया कि उन्होंने बोला था कि मोदी ने सभी खाते में आएंगे 15 लाख रुपए, उन्होंने नहीं, उन्होंने ये नहीं बोला था। वो तो कह रहे मुझे बोल के गए थे। हाँ, मतलब इनको बोल दिया, मुझे ही बोला था, तो इसका कोई मतलब वो भैया, ये तो बिहार की एक रैली में बोला था सिर्फ मोदी ने। काला धन इतना है, राहुल गांधी ने कहा अगर भारत आ जाए तो 15-15 लाख रुपए हर भारतीय को मिल सकते। सारा हिसाब किताब रखा है चौहान साहब ने, लेकिन मोदी जी ने कहा तो था, वहाँ देखो वहाँ गैस पहुँच गयी, जहाँ गैस का कोई मतलब नहीं था, जहाँ गैस का मतलब नहीं था, यही तो 15 लाख रुपए और क्या तुम्हारा ये जो चला, ये हिसाब आपने अच्छा बताया। अरे ये जो योजना 15 लाख रुपए ये है सर। ये है योजना है ना तुम्हारी, जो अभी 2 लाख 12 रुपए में 2 लाख का बीमा मिल गया, किसी ने सोचा था कि 12 रुपए में 2 लाख का बीमा मिल सकता? कराया आपने बीमा? वो तो जिसका खाता है उसका अपना आप ही ऑटोमेटिक हो गया, ऑटोमेटिक 12 रुपए। किसी ने सोचा था आज तक ऐसा बीमा हो सकता है? तो वो जो 15% उधर बता रहे थे कि बीजेपी के वोट 15% है, वो हिसाब किताब यहाँ गड़बड़ाया हुआ लग रहा है मुझे। या नहीं, ये तो सब चंडू खाने के 2-4 नेता कुर्ता छाप पहन के नेताजी बन जा, जिनको कुछ कहना नहीं, सुनना नहीं, कुछ हिसाब लगाना नहीं, बस चल दिया जी। उनसे पूछो ना, जिसको गैस मिली है वो वोट दे देगा, इसके कहने से भी ना कर लियो जो वोट दे दे। जिसको 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना के मिल गए इलाज के लिए, हाँ, वो वोट दे देगा किसी के कहने से, उसे 10 पैसे का भी फायदा हो जाएगा। यहाँ तो हराम की चाहिए, भारत में आदमी कमाने की नहीं चाहिए। वो राहुल गांधी बैठा बैठा कह देता, कहने लगे रिलायंस को बना दिया, रिलायंस को तेरे बाप दादा ने खड़ा करा, मैं रिलायंस में पहले रिफाइनरी में था भारत सरकार की, मैंने रिजाइन करा भारत सरकार नौकरी से। हाँ, रिफाइनरी तो तुमने डुबो दी, भारत की सरकारी संस्थाएं तुमने डुबाई, तुमने आज तक उनका दुरुपयोग करा, इसलिए लगता है भारत की संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा। अगर मोदी दुरुपयोग करता सुप्रीम कोर्ट का, तो अब तक मंदिर बनवा देता, क्यों उसे पता है अगर मंदिर बन गया तो फिर तो उसकी वोट कहीं जाती ही नहीं। चौहान साहब कांग्रेस से खासे नाराज लगते हैं और मोदी पर भरोसा जबरदस्त है। गठबंधन ना, गठबंधन कुछ भी कर लेते, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ता इस गठबंधन से, ये तो सारे चोर हैं, इन चोरों का जमघट हो रहा। कहने लगे अभी तक तो इन्होंने छेड़ा नहीं किसी को, उसने क्यों कह दिया पिछली बार संसद में, कहने लगा अभी तक नहीं छेड़ा मैंने किसी को, तो इन्हें खतरा है कि अगले 5 साल बाद अगर 5 साल के लिए आ गया तो जो खाया ना तक सब निकाल लेगा, जैसे लालू का निकाल लिया। देख लो केजरीवाल को कह रहा है, मतलब उनकी साथ में आदमी क्या नाम, बच्चों के मैं रहा उसके साथ 3 महीने, वो तो है ही टीम। अन्ना हजारे को उत्तर प्रदेश में या इस क्षेत्र में कभी देखा था 2010 से पहले? अन्ना आंदोलन में ही उठे वो, अन्ना आंदोलन ही कांग्रेस ने करवाया था, हम तो समझ ही नहीं पाए। चौहान साहब ने तो केजरीवाल को कांग्रेस की टीम भी बना दिया। चौहान साहब आप जो भी कहें, मोदी विरोधियों ने भी खूब जोर लगाया हुआ है। नहीं, सीएम तो मोदी ने बनवा दिया, मोदी और अमित शाह की गलती से बना सीएम। अच्छा। अगर ये किरण बेदी को मुख्यमंत्री पद की दावेदार घोषित न करें
तो भाजपा का कैडर कभी भी इसको मुख्यमंत्री नहीं बनने देता। भाजपा का कैडर हवा भी थी केजरीवाल की, ऐसा नहीं है किसी को नहीं खड़ा करते, शायद इसीलिए खड़ा किया। वहाँ तो भाजपा की ही हवा थी क्योंकि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री मोदी बन गया था, ये समझ नहीं पाए इन्होंने उसको किरण बेदी खड़ा कर दिया। सुन लिया मोदी जी और अमित शाह जी, केजरीवाल आपकी गलतियों का ही नतीजा है, ये हम नहीं कह रहे, देश के वोटर की आवाज़ है ये। 60 साल में ऐसा नहीं था, नहीं था ऐसा नहीं। अगर रेल में बैठे खतरा जेब का था, जेब कटी ना जा, अब नहीं होता ऐसा, कुछ नहीं हो रहा। और अमन तो जी है, अमन तो जी है। देवबंद में आप देखिए, देवबंद वो जगह है जहाँ पर हिंदू मुस्लिम आबादी मिलकर रहती है, ये भी देवबंद में रहते हैं पास के गांव में, और ये कह रहे हैं कि अब पिछले 4 साल में कम से कम ऐसा माहौल नहीं है कि किसी तरह का डर हो। आपको भी ऐसा ही लगता है? ऐसा ही लगता है। देखिए अभी हमने इनके नाम नहीं पूछे हैं, लेकिन नवाज देवबंदी ने ही कहा है, हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर तेरे, सीने पे तेरे हिंदुस्तान होना चाहिए। वैसे पिछले 5 साल के बारे में आपका क्या कहना है? नैन तो मोदी को देते, जैसे मोदी कोई राहुल को देता है, बताना नहीं था वैसे वोट किसको देते हैं। तो वही है ना मेन, मोदी जो काम कर रहा है तो उसी को देंगे ना, पार्टी के उसको नहीं देते, कैंडिडेट को। कैंडिडेट का क्या है, कैंडिडेट तो आज इधर है कल को उधर है, वो तो लूट का सूट है उनको लगी हुई है। पर मोदी एक ऐसा आदमी है जो सच्चा इंसान है, मोदी है, पीयूष गोयल है, या और 2-4 ऐसे हैं जो नेता जिनकी अच्छी इमेज है। अब राहुल गांधी तो राफेल उसका तो वो भंडा फूट रहा है ना, सारे पैसे जितने हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपए जो कमा रखे हैं। मुद्दा राफेल ही मिला ना, कुछ नहीं है मुद्दा मैडम, 1 रुपए भी निकाल दे तो गारंटी है मेरे को सजा दे देना आप। मेरा नाम रविदेव शर्मा, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। हाँ शर्मा जी ने नाम बताते हुए रफाल पर राहुल गांधी को चुनौती दे डाली। अच्छा आप सभी को याद है ना, पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल को है, वोट देने जरूर जाइएगा। वोट डालने का टाइम मिल जाता है? हमें कहाँ मिल पाता है, ड्यूटी रहती है। हाँ इलेक्शन में तो और ड्यूटी रहती है। पिछले साल से ये व्यवस्था हुई है गवर्नमेंट की तरफ से कि डाक द्वारा। चुनाव आयुक्त साहब आप सुन रहे हैं, व्यवस्था पुख्ता करने की जरूरत है। लोकतंत्र का पर्व कहा जाता है मतदान को, और तमाम तरह की कैंपेन चलाता है चुनाव आयोग भी। प्रधानमंत्री खुद अपील कर रहे हैं कि किसी भी पार्टी को वोट दे, लेकिन वोट दे जरूर। तो ऐसे लोग सैनिक है, पुलिस है, जो कि मतदान को सुचारू रूप से चलाने के लिए काम करते हैं, उनका वोट भी तो अहमियत रखता है। उनके लिए भी कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वो जहां है वहां अपना वोटर आईडी कार्ड दिखाकर कोई ऐसा सिस्टम बना दिया जाए कि उनका मतदान कराया जा सके। वरना सोचिए कितना बड़ा प्रतिशत है जो कि वोट देने से महरूम रह जाता है। तो इस बार आप कोशिश करेंगे, 28 साल तो नहीं डाला वोट, लेकिन अब ये जो व्यवस्था है पार्सल वाली, इसी से सही डालेंगे पक्का। ये आप कहाँ रहते हैं? सहारनपुर रहते हैं। आप सहारनपुर रहते हैं, सहारनपुर में ही वोट है आपका? सहारनपुर में तो बड़े समीकरण बनते बिगड़ते हैं, क्योंकि वहाँ कुछ तो जाति के आधार पे भी वोट होता है और कुछ काम के आधार पे होता है। आप किस आधार पे वोट देते हैं? बस आधार भैया, हम तो जहाँ अपने बड़े कहते हैं वही वोट लगाते हैं जी। हम तो जहाँ बड़े कह देते हैं तो पूरे परिवार का वोट एक ही तरफ, परिवार का वोट एक जगह जाता है, एक ही जगह जाता है। इस बार भी ऐसा ही होगा, पूरे परिवार का, पूरे मोहल्ले का वोट एक जगह जाता है। अच्छा मोहल्ले का मोहल्ला एक तरफ वोट करता है, जैसे इन्होंने कहा 150-200 वोट जो है सब एक तरफ पड़ता है। 150-200 वोट जो ना आदमी सही, जो जिम्मेदार आदमी है उसे जो सही लगेगा वो उसी के पास कहेगा भाई इस पे वोट डालना। हाँ सही बात है। तो ये कितना आपको सही लगता है कि सब एक तरफ दे दें या अपने मन से देना चाहिए वोट? नहीं सबकी सोच अलग अलग है, सेवा में कौन अच्छा लग रहा है दूसरे को, क्या आपका कौन अच्छा लग रहा है। कई घरों में तो ऐसा भी होता है पति किसी और को दे रहा, पत्नी किसी और को दे रही है। आपके घर में क्या होता है? इम्तियाज साहब कहते हैं साथ में ही है, यानी वोट करने की पॉलिसी राशिद साहब वाली है। अरे हुजूर अधिकार आपका है तो आप ही सोच समझ कर फैसला लीजिए। खैर चुनावी चर्चा आज जबरदस्त हुई और हम पहुंच गए अपनी मंजिल पर। मुजफ्फरनगर आ पहुंचे हैं हम बैलेट ट्रेन का सफर पूरा करते करते। सांसद यहां भी बीजेपी से ही हैं, लेकिन इस छोटे से सफर में एक बहुत बड़ी बात हमारी समझ में आई, और वो ये कि इस बार की राह किसी के लिए भी आसान नहीं है। चाहे हाथी और साइकिल मिलकर अपने उम्मीदवार को उतारे, चाहे जो सत्ता पर काबिज है वो लोग हो या फिर कांग्रेस। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राय बेहद बटी हुई है, इसलिए मुकाबला एक तरफा बिल्कुल नहीं है। बैलेट ट्रेन में जी न्यूज के दर्शकों के लिए हम सिर्फ यही कहेंगे कि आप किसी भी बेल्ट में हो, आपके घर में, आपके इलाके में जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन जरूर जाइएगा मतदान केंद्र तक। नमस्कार।
आज आपको हजरत निजामुद्दीन से मेरठ तक का सफर कराएंगे। पब्लिक हिसाब करेगी कौन अच्छा कौन नहीं कर रहा है। बाकी सब चोर है। बाकी 56 इंच की जादी जब पहले बोलते थे भी दिखाओ तो दिखा दिए। अगली बार कोई रगड़।